आज इस खबर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माँ दुर्गा और शेर की रोचक कहानी के बारे में, कि आखिर कैसे शेर माँ दुर्गा का शिकार करने के लिए जो आया था वो कैसे माँ दुर्गा की सवारी बन गया। आपको बता दें कि माँ दुर्गा के प्रकट होने से लेकर महिषासुर मर्दन तक बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों में अक्सर उन्हें उनकी सवारी के साथ दर्शाया जाता है, और भगवान के सभी रूप और उनकी सवारी का अपना एक अलग ही महत्व है, जिसके पीछे शास्त्रों में कई कथाओं का भी वर्णन मिलता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक मानी जाती हैं, और उनकी सवारी शेर है, और ये शेर प्रतीक होता है आक्रामकता और शौर्य का। जबकि देखा जाए तो ये तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के स्वभाव में भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उनको दिए थे। और तो और, ये तो सभी जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन माँ दुर्गा की सवारी शेर कैसे बना, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जबकि इसके पीछे एक रोचक कथा है, और आपको बता दें कि माँ पार्वती शक्ति जैसे न जाने कितने ही रूप माँ दुर्गा में समाहित हैं, और कथा के अनुसार माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनका रंग भी सांवला हो गया। तब उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव उनको पति के रूप में मिले थे, और मान्यता के अनुसार एक दिन जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती का मजाक उड़ाते हुए उनको सांवली कह दिया, लेकिन ये बात माँ पार्वती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और वो नाराज होकर माँ पार्वती ने एक बार फिर से कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। और घनघोर जंगल में तपस्या के दौरान ही माता पार्वती के पास एक भूखा शेर उनका शिकार करने के लिए आकर बैठ गया, और शेर वहां बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब देवी की तपस्या खत्म होगी और वो उनको अपना आहार बनाएगा। लेकिन माता पार्वती को तपस्या करते हुए कई साल बीत गए, लेकिन शेर वहीं उनका इंतजार करता रहा। तब देवी पार्वती की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनको गोरा होने का वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद माता पार्वती ने स्नान किया, और जब उन्होंने स्नान किया तो उनके शरीर से एक देवी का जन्म हुआ, जो कि माता गौरी कहलाई। लेकिन स्नान के बाद जब देवी पार्वती ने देखा कि एक शेर लगातार उन्हें देख रहा है, तब देवी को पता चला कि वो शेर उन्हें आहार बनाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा है। और शेर की इसी बात पर देवी बहुत ही खुश हुई, और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक उसी तरह इस शेर ने भी मेरे इंतजार में तपस्या की। तब उन्होंने शेर को वरदान देते हुए अपना वाहन बना लिया। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।